तो पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा है और वहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर आ गया, तो जाहिर सी बात है हमारा पेपर तो निरस्त हो गई, सिंबल निरस्त हुआ, पेपर निरस्त नहीं। अब क्या स्ट्रेटर्जी होगी सांसद जी आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ, मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पे प्रचार करूँगा। जो प्रत्याशी अब जैसे पार्टी ने सिंबल दिया है जिनको, वो उनको उनको सपोर्ट करेंगे, उनके समर्थन में प्रचार करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा नहीं मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं, प्राणखानियाँ करी हैं, दरगाहों के हाजिरी मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। तो क्या लगता है इस पूरी जो रामपुर में भी इसी तरीके से हुआ है, रामपुर में भी दो प्रत्याशी द्वारा नामांकन अभी किया है, स्कूटनी वहाँ चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नामांकन करा है, अब ये तो उन्होंने तो इंडिपेंडेंट नामांकन करा है, पार्टी ने जिसको उतारा है वो तो प्रत्याशी पार्टी का रहेगा ही। तो क्या इसमें दूसरी तरीके से आजम खान साहब का भी नाम आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आजम खान साहब भी रुष्ट थे, जिस वजह से ये सब किया गया है, उनके सब बातचीत का असर है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि आजम खान साहब को खुश करने के लिए यहाँ पर मुरादाबाद में उनकी कैंडिडेट को भेज दिया गया, लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मुस्लिम्स के साथ क्या मानते हैं कि टिकट कटने के बाद लोगों के आपके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे लगातार, लोग भी हम देखें यहाँ बैठे हुए हैं, तो कितनी बड़ी इस मिशन को दिक्कत हुई है, आप संसद में भी लगातार बोलते आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से पूरी जगहों से, इलाहाबाद से लेके और सहारनपुर तक मेरे पास फोन भी आ रहे हैं लोगों के, इवन कलकत्ता से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, लोगों को धक्का पहुंचा है। मैंने मुस्लिम सियासत क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम सियासत ही कर रहा हूँ, मैं मुसलमान क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉर्चर्ड है, उसकी आवाज़ उठाता हूँ, उसकी इंसाफ की बात करता हूँ, और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू भाई हो, जहाँ पे भी कोई टॉर्चर होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, वो मैं उठाता रहूँगा, आप लोगों के माध्यम से उठाता रहूँगा, सिर्फ पार्लियामेंट ही थोड़ी कोई प्लेटफॉर्म है। तो बड़ा जो तैयारी थी वो सब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप मानते हैं कि लॉस है? देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के फेवर में जनता है और हमें उम्मीद है कि जनता बीजेपी को हराएगी। समाजवादी पार्टी के आपने कहा कि कार्यकर्ता हैं, अब आप पुराने कार्यकर्ता हैं, तो प्रत्याशी को क्या कहते हैं कि कितने प्रतिशत समर्थन मिलने का, जो लोगों के लोग आ रहे हैं, कितने प्रतिशत समर्थन उनको रहेगा और किस तरीके से पूरी चुनाव रहने वाला है, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, चूंकि आप कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप बता रहे हैं? देखिए, मुरादाबाद के अलावा सब जगह प्रत्याशी के साथ लोग काम करेंगे, जनता जुड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की जीत होगी। और रामपुर को लेके क्या कहेंगे? सेटल हो जाएंगे वहाँ के इश्यूज भी, वहाँ पे पार्टी ने अब सिंबल किसी मौलाना को दिया है, वही पार्टी के प्रत्याशी भी रहेंगे। आसिम रजा साहब ने भी वहाँ नॉमिनेशन किया है, समाजवादी पार्टी ही लिखा हुआ है अभी तक लिस्ट में उनके नाम के आगे भी, और मोहिबुल्ला नदवी जो है उनके नाम के आगे भी समाजवादी पार्टी ही लिखा हुआ है, जो प्रशासन ने लिस्ट जारी किया। जिसके पास होता है वो प्रत्याशी होता है उस पार्टी का, सारे थोड़ी लिख सकते हैं इस बात को। तो बड़ी सिंबल अगर वहाँ पे मौलाना के पास है तो वही प्रत्याशी। कितनी बड़ी बाहरी प्रत्याशी की भी एक बात निकल के आ रही है यहाँ पर, तो बाहरी प्रत्याशी का भी, चूँकि मौलाना भी बाहरी प्रत्याशी ही हैं,
हालांकि वो कहते हैं कि उस स्वार के आसपास के कहीं के रहने वाले हैं, तो कितना बड़ा अंतर इस पे पड़ेगा? देखिए वो तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, लेकिन आज के दौर में बाहर से आया हुआ थोपा हुआ प्रत्याशी कोई पसंद नहीं करता, वोटिंग परसेंटेज का असर पड़ जाता है, चाहे वो मुरादाबाद हो। मुरादाबाद ने इस दर्द को बहुत झेला है, जब भी बाहरी प्रत्याशी आया जीत के चला गया, उसके बाद मुरादाबाद को भूल गया। मुरादाबाद के रहने वाले को तो इंसान हर वक्त पकड़ सकता है, बाहरी प्रत्याशी यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते। हमारे साथ भी एक बाहरी प्रत्याशी ने साजिश रची और एक दूसरी बाहरी प्रत्याशिनी को यहाँ पे लाके खड़ा करा दिया। सांसद जी, क्या आपके पास भी कोई पत्र उसके बाद भी आया था, समय निकलने के बाद 3 बजे के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से? जैसे बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक पत्र आपके पास आया था जिसको आप लेके पहुंचे भी थे आपके कुछ कार्यकर्ता, और वहां पे जिलाधिकारी द्वारा समय निकलने की बात कही गई थी। देखिए अखिलेश यादव जी ने पत्र भेजा था, लेकिन हमारे यहाँ के एक वही मैं कहूँगा बाहर के कार्यकर्ता विधायक ने उनकी टीम को कैप्चर कर लिया और वक्त निकलवा दिया, वक्त से वो मुझे नहीं मिल सका। पत्र कितनी देर बाद मिला समय निकलने के? 3:02 में। लेके पहुंचे भी थे आपके कुछ कार्यकर्ता, और वहां पे जिलाधिकारी द्वारा समय निकलने की बात कही गई थी। देखिए अखिलेश यादव जी ने पत्र भेजा था, लेकिन हमारे यहाँ के एक वही मैं कहूँगा बाहर के कार्यकर्ता विधायक ने उनकी टीम को कैप्चर कर लिया और वक्त निकलवा दिया, वक्त से वो मुझे नहीं मिल सका। पत्र कितनी देर बाद मिला समय निकलने के? 3:02 में। जब तक टीम गई थी, आपके कार्यकर्ता गए थे जिलाधिकारी से मिलने के लिए? हाँ, ओरिजिनल शीट जो है वो 4 बजे के बाद मिली, टाइम निकल चुका था। अब कोई मतलब नहीं था उस लेटर का? जाहिर है, टाइम के बाद क्या मतलब। क्या लगता है कि जिनके द्वारा ये कैप्चर किया है उनके वो लोगों को पार्टी को डेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, पार्टी अगर कमजोर होती है तो नेता कमजोर हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी से क्या लगता है कि कुछ लोगों ने उनको जिस तरीके से आपको सिंबल दे दिया था फिर दोबारा दे दिया, तो क्या उन्होंने सोचा होगा पार्टी को लेके, बेहतर सोच रहे होंगे, क्या सोचा होगा, क्या रहा होगा इसमें? देखिए अखिलेश यादव जी ने मेरे पर भरोसा किया करा था और मुझे ही सिंबल दिया था, मैं मुझसे नॉमिनेशन को जल्द कराने को कहा था, नॉमिनेशन मैंने करा दिया। उसके बाद क्योंकि हमारा नेता अखिलेश यादव जी बहुत संस्कारी आदमी हैं और उनके उनके अंदर मुरव्वत बहुत ज़्यादा है, इधर आधर के लोग उल्टी सीधी बात करके उनको मोबिलाइज कर लेते हैं, इधर आधर के लोग अपने मतलब के लिए हमारे पार्टी ऑफिस में भी सेंध लगाकर गोपनीय चीज़ों को भी मंजर आम पे ले आते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब उनके संस्कार ऐसे हैं कि अपने बड़ों की बात को नहीं टालते, उन लोगों की जिनके साथ उनका बचपन गुजरा हो तो उसकी वजह से वो अपना नुकसान भी कर लेते हैं, क्योंकि अपनी तहजीब अपने संस्कार से पीछे नहीं हटते। जावेद अली साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि रामपुर की जो वो है कल्चर वो हो गया है, जो नवाबी कल्चर है। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ।